थैंक यू। जब लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर बहुत अच्छा गाना हमारा, और ये हमारा फ्रेंडशिप वाला गाना था। एक्चुअली गाना तो रोमांटिक था, पर हमने इसको फ्रेंडशिप वे में इसको शूट करा, और दोनों सुंदर, हॉटेस्ट, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस लक्ष्मी एंड क्षमा उसके अंदर है। एंड आई गेस ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक वीडियो में इतनी दो सुंदर मॉडल्स हों, बहुत रेयर होता है। बट बहुत अच्छा गाना शूट हुआ है, माल्टा में हमने शूट किया है, एंड डी जे स्मिथ ने इसको रिमिक्स करा है, एंड वी हैड ए ग्रेट टाइम। हाँ जी, थैंक यू जी जी जी। सो दुनिया मिका सिंह को एक बड़े सिंगर के इससे देखते हैं, ये तो सिंगर है ही है लेकिन एक अच्छा दोस्त भी है हमारा। सो मैं बहुत सालों से जानती हूँ मिका को, और अब जाके हमको एक मौका मिला था, एक गाना जाके हम अच्छे से शूट करके आएंगे, एंड जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था हमको ये गाने में कि ये लव सॉन्ग नहीं करेंगे, कुछ हटके से करेंगे एज अ फ्रेंडशिप सॉन्ग, जाके माल्टा में शूट करेंगे। सो आई लाइक द होल कॉन्सेप्ट, बिकॉज फ्रेंडशिप पे बहुत कम गाने बनते हैं, एंड स्पेशली ये लव सॉन्ग में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लाने, ऑल फ्रेंड्स टुगेदर, तो बहुत अच्छा शूट हुआ, एंड हिम सिंगिंग दैट सॉन्ग और हाईलाइट हो गया, बिकॉज मिका का आवाज़ ही अलग है। लोग बस ऑडियो सुन के उनको पता चलता है कि ये मिका सिंह का गाना है, तो उनका गाना ही एक, उनका एक वॉइस ही सिग्नेचर है, सबको पता चल जाता है। सो मजनू टू इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग्स वेयर वी हैड लॉट्स ऑफ फन, और बहुत अच्छे से वीडियो शूट हुई है, एंड बहुत अच्छे से रिमिक्स बना है इसका, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इट, एंड इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, ऑलरेडी हिट हो चुकी है, बहुत सारे व्यूज़ मिल गए, सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अ बिग सेलिब्रेशन फॉर दिस सॉन्ग। हाँ जी, क्लब में जाओगे ना तो अच्छा आएगा। हाँ, ये टू ही गुनगुनाया था सलमान भाई ने, यही गुनगुनाया था। मैं स्पेशली बिग बॉस में गया था गाना प्रमोट करने के लिए, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस था। और ये जो स्टेप जो क्रिएट करा, ये मिथुन दा ने हमें स्टेप्स सिखाया था, वो हमने शो से चुरा के इस रील्स पे डाला, हुक स्टेप बनाया। हाँ, एक्चुअली वो ही मैं कह रहा हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, हॉट हैं, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये बहुत कम होता है। हमारी फ्रेंडशिप बहुत सालों से है, एंड सिर्फ ये है कि ये लड़की है और मैं लड़का हूँ, बट हमारी जो फ्रेंडशिप है पूरी दोस्ताना है। चाहे वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, हम लोग आसपास में वापस, पता ही है हमको कि हम वापस बात कर लेंगे, वो वैसा वाला दोस्ती। अभी तो फिलहाल बैक टू बैक काफ़ी सारे गाने, अब तो मूवी के भी काफ़ी गाने आ रहे हैं, एंड इसके बाद सीधा मूवीज़ के आएंगे बैक टू बैक। मेरा तो इसमें और एक फेवरेट गाना है जो मेरे साथ बनाने वाले थे, लेकिन अभी तक वो होल्ड बना, वो तो मैंने उनको, हाँ ले उनको मैं छोड़ूंगी नहीं, साइन लिया है मैंने, मेरे अलावा आप किसी के साथ नहीं बनाओगे ये गाना। डन, आएगा जी, नहीं अभी नहीं बताएंगे। हाँ, जून में मैं शादी कर रहा हूँ, ये तय है, लड़की नहीं ढूंढी लेकिन सरप्राइज दूंगा, जैसे अभी सरप्राइज दिया है हमको। मुझे खुद पता नहीं था, और दो दिन पहले बात चल रही थी, बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ प्लान नहीं है, आज जाके अनाउंस कर दिया। हाँ, तुमने भी आना शादी में, पूरी इंडस्ट्री को। हम तो बाराती में नाचने के लिए रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ये तो सरप्राइज है, सरप्राइज का मतलब अभी तक तो बता ही दिया कि मैं जून में कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। मजनू टू एक ऑलरेडी एक हिट सॉन्ग बन चुकी है, एंड आई एम ग्लैड कि सबको पसंद आया है, एंड एवरीबडी इज़ सेंडिंग द विशेस, एंड स्पेशली आपने देखा होगा अभी एक यू नो हैंडीकैप पर्सन जो मेरी हमारी अभी फ़ैन है, उसने जो हुक स्टेप्स किया वो सबसे बड़ी जीत है हमारे लिए, यू नो, बिकॉज अगर ये सॉन्ग साउथ तक पहुँच सकता है, भले मैं साउथ की हूँ, बट देन उनको इतना एंजॉय करके रील बनाना और वो हुक स्टेप पर नाचना, दिस इट सेल्फ इज़ अ बिग विन फॉर अस। तो आई एम सो टच विथ हर जेस्चर, एंड
यही एक बड़ा साइन होता है एक सक्सेस का. सो आई एम सो हैप्पी टू सी दिस एंड पीपल आर कमिंग एंड कंग्रेचुलेटिंग अस. बहुत सारे लोग बोल रहे कि गाना बहुत अच्छा है एंड दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. बस थैंक यू सबका. मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, आप और इन्जॉय करें ताकि हम और अच्छे अच्छे गाने बनाएं. थैंक यू.